पीएम किसान सम्मान निधि को भी फूल प्रूफ बनाया गया है ताकि आप किसान भाइयों बहनों का अधिकार कोई छीन न सके। वैसे तो जनधन बैंक खाते सभी के ही खुल गए हैं, लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि पैसे सीधे बैंक खाते में ही जाएंगे। अगर आप लोग किसान हैं तो आपको बताते हुए काफी खुशी हो रही है भाई बहनों, अब आपको सालाना 6000 रुपए की जगह 12000 रुपए की धनराशि आपके जनधन खाते में मिलेगी। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है भाई बहनों। और इसी के तहत दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, अगर आप लोग खेती करते हैं, किसान हैं, तो 10वीं किस्त का पैसा कब आपके जनधन खाते में आने वाला है इसकी भी पूरी जानकारी सामने निकल कर आ चुकी है। आप लोगों को बता देना चाहते हैं भाई बहनों, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर 5 बड़ी घोषणाएं की हैं और 10 बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें किसानों के लिए एक नहीं बल्कि 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। अगर आप लोग खेती करते हैं, आप लोग किसान हैं, तो आपको बताते हुए हमें काफी खुशी हो रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो आप लोगों को सालाना 3 किस्तों में 6000 रुपए की धनराशि मिल रही थी, अब वो बढ़कर 12000 रुपए होने जा रही है। और इसी के तहत आपको बता देना चाहता भाई बहनों, अगर आप लोग खेती करते हैं, आप लोग किसान हैं, तो किसान कर्ज माफी को लेकर क्या बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है किसान एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा, वो भी आपको हम अपने 2 से 3 मिनट के वीडियो में बताएंगे। आपको बता देना चाहते भाई बहनों, किसानों के लिए कई बड़ी सरकारी योजनाएं चालू की गई हैं, जिसमें किसानों के जनधन खाते में सीधे केंद्र सरकार मतलब मोदी सरकार 3 किस्तों में 6000 रुपए सालाना भेजती है। अब आपको बता देना चाहते हैं कि अभी तक केंद्र सरकार मतलब मोदी सरकार ने 9 किस्तों के पैसे हमारे देश के किसानों के जनधन खाते में भेजे हैं। अगर आपको ये पैसा मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ, आपको पीएम किसान के तहत पैसा मिल रहा है, और अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो कैसे आपको आवेदन करना है वो भी आपको हम अपने 2 से 3 मिनट के वीडियो में बता देंगे। तो सबसे पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज ये निकल के आ रही है कि हमारे देश के किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मोदी सरकार 9वीं किस्त का पैसा भेज चुकी है, अब 10वीं किस्त का पैसा आपके जनधन खाते में नवंबर के महीने में आएगा। आपने बिल्कुल सही सुना है भाई बहनों, नवंबर के महीने में आपके जनधन खाते में आपको 2000 रुपए की धनराशि सीधे मिल जाएगी। अब दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि अगर आप लोग खेती करते हैं, किसान हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जुड़ चुके हैं, तो जैसे अभी साल में आपको 6000 रुपए मिल रहे हैं, इसको बढ़ाकर केंद्र सरकार 12000 रुपए करने जा रही है। आपने बिल्कुल सही सुना है भाई बहनों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 6000 की जगह मिल सकता है 12000 रुपए। तो मतलब यह है कि हर महीना आपको 1000 रुपए की धनराशि मिलेगी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से पक्की खबर सामने निकल के आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है किसान कर्ज माफी को लेकर। आपको बता दें, कई जगह ऐसी खबरें चल रही हैं कि किसान कर्ज माफी को लेकर केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। तो आपको बता दें कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं, उनने साफ साफ कहा है कि किसान कर्ज माफी को लेकर अभी केंद्र सरकार का कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा, हम किसानों की आय दुगना करना चाहते हैं। जिसके बाद ये मतलब है कि किसानों को ज्यादा आय देने के लिए खाद का पैसा भी अलग से दिया जाएगा और सालाना 12000 रुपए की धनराशि हो सकती है, ऐसे संकेत मिल चुके हैं। तो भाइयों बहनों, ये काफी अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है देश के किसानों के लिए। ऐसे ही हर सरकारी योजना के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे।